हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 7 मई 2019 के। आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं आएगा। आपको इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करना है, क्योंकि मैं इस वीडियो सीरीज़ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में जीके पोर्शन में आपकी हेल्प करते हैं। सो विदाउट फॉर द डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वन द मेंस टाइटल इन द एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप हेल्ड इन मलेशिया इन मई 2019। एशियन इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप हुई है मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में। इसको मेंस में किसने जीता है? इसको मेंस में जीता है सौरव घोषाल ने। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सौरव घोषाल। आपको क्वेश्चन वुमेन से भी पूछा जा सकता है, वुमेन में किसने जीता है? वुमेन में जीता है योशना चिनप्पा, योशना चिनप्पा। सो ये भी याद रखिए। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी है मलेशियन रिंगिट, मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं महाथीर मोहम्मद, महाथीर बिन मोहम्मद। सो ये भी याद रखिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इन श्रीलंका सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर ब्लॉक्ड अगेन फॉलोइंग अ सेंटेंस सिचुएशन इन डैश विच लीड टू ओवरनाइट पुलिस कर्फ्यू। रिसेंटली श्रीलंका में सेवरल सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको ब्लॉक कर दिया गया है अगेन, दोबारा से। ये किस सिटी में ब्लॉक किया गया है? ये ब्लॉक किया गया है निगम्बो, निगम्बो। जो बी ऑप्शन है ये सही है, निगम्बो एक सिटी है श्रीलंका की। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरी कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रुपया, श्रीलंकन रुपी। और प्राइम मिनिस्टर हैं रानिल विक्रम सिंघे और प्रेसिडेंट हैं मैत्रीपिला सिन्हा, मैत्रीपिला श्री सेना। ये भी याद रखिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली आ रशियन पैसेंजर प्लेन मेड अ फायरी क्रैश लैंडिंग एट डैश एयरपोर्ट किलिंग अराउंड 41 पीपल। ये प्लेस है शेरे मैटियावो, शेरे मैटियावो। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। यहाँ पर रशियन पैसेंजर प्लेन है जो क्रैश हुआ है, जिसमें 41 पीपल डाइड हो गए, डेथ हो गई जिनकी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। रशिया की कैपिटल है मॉस्को और प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नॉर्थ कोरिया हैज़ फायर्ड सेवरल शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल्स इनटू द सी ऑफ जापान, हु इज़ द हेड ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने अभी अभी शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल्स को जापान के सी में फायर किया है। नॉर्थ कोरिया के हेड कौन है? नॉर्थ कोरिया के हेड हैं किम जोंग उन, किम जोंग उन। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। और साउथ कोरिया के कौन हैं? साउथ कोरिया के हैं बी ऑप्शन है जो बन की मून, बन की मून। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। अभी अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सियोल पीस प्राइज़ भी मिला है, ये भी याद रखिए, जो कि साउथ कोरिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है सियोल पीस प्राइज़, ये भी याद रखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज 11th मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड इन 2019। ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म की 2019 में 11th मीटिंग हुई है, ये हुई है कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा में। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट वैल्यूड इंडियन बैंक्स इन 2019 विद द मार्केट कैपिटल ऑफ 6.45 ट्रिलियन। मोस्ट वैल्यूड बैंक बना है इंडिया का HDFC बैंक। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, HDFC बैंक। HDFC स्टैंड्स करता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्यपुरी, आदित्यपुरी प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं HDFC बैंक के, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा, मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा।
मिंत्रा एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड सीएससी, ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड टू अप स्केल उन्नत भारत अभियान। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने एक पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट साइन किया है टू अप स्केल उन्नत भारत अभियान। ये किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है? ये साइन हुआ है आईआईटी कानपुर के साथ। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, द फोर्थ ऑफ इंडियन नेवीज स्टील्थ स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन्स ऑफ प्रोजेक्ट 75 वाज लॉन्च्ड एट द कन्होजी एग्री बेसिन ऑफ मैजागों डॉक लिमिटेड। इट हैज़ बीन नेम्ड इंडियन नेवी की फोर्थ स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट का क्या नाम है जो लॉन्च किया गया है कन्होजी एग्री बेसिन ऑफ मैजागों डॉक लिमिटेड पर? इस सबमरीन का नाम है वेला। वेला, सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, वेला। इंडियन नेवी के न्यू चीफ हैं करमवीर सिंह, करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म टू क्रॉस द ₹300 करोड़ मार्क इन इंडिया? कौन सी फर्स्ट हॉलीवुड मूवी बनी है जिसने इंडिया में 300 करोड़ रुपए तक का बिजनेस किया है? इस हॉलीवुड मूवी का नाम है एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स एंड गेम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है एवेंजर्स एंड गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, वेयर डिड द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द G7 नेशंस मीट इन मई 2019 बिफोर द रिलीज ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू द अनदर अलार्मिंग रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द प्लैनेट? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज की G7 समिट होगी 2019 मई में, ये समिट को कौन सा देश आयोजित करेगा? इस समिट का आयोजन करेगा फ्रांस। सो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, फ्रांस। इस समिट में सभी देशों के इन्वायरमेंट मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे इस समिट में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और प्राइम मिनिस्टर हैं इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, गेम चेंजर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स? गेम चेंजर किसकी ऑटोबायोग्राफी है, क्रिकेट प्लेयर हैं जो? गेम चेंजर ऑटोबायोग्राफी है शाहिद अफरीदी की। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी प्लेयर हैं पाकिस्तान के, ये भी याद रखिए। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। ये इन्फॉर्मेशन भी पाकिस्तान से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th क्वेश्चन, रिसर्चर्स फ्रॉम रूहर यूनिवर्सिटेट बोचुम RUB इन डैश हैव डेवलप्ड अ सिंपल टेस्ट दैट मे हेल्प डिटेक्ट अल्जीमर्स डिसीज 8 years बिफोर द फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स अक्कर? किस कंट्री के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एक सिंपल टेस्ट जो कि अल्जीमर डिसीज होता है उसको 8 साल पहले ही डिटेक्ट कर लेगा बिफोर क्लिनिकल सिम्टम्स के? इस टेस्ट को डेवलप करने वाला कंट्री बना है जर्मनी। सो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीमर, फ्रैंक वाल्टर स्टीमर, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th क्वेश्चन, हु हैज़ ब्रोकन हिज 194-day फास्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट सैंड माइनिंग एंड द अपकमिंग डैम्स ऑन की रिवर्स दैट फीड द गंगा? किस पर्सन ने अपना 194-day का फास्ट तोड़ा है? इन्होंने प्रोटेस्ट कर रखी थी अगेंस्ट सैंड माइनिंग एंड द अपकमिंग डैम्स, डैम्स को बिल्ट हो रहे हैं आपको पता ही है इंडिया में, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक फास्ट रखा हुआ था 194-day का। ये फास्ट अब इन्होंने तोड़ा है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है स्वामी अरबा बोधनंद, स्वामी अरमा बोधनंद। सो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, स्वामी अरमा बोधनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16th क्वेश्चन, विच स्टेट अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10 करोड़ एंड इमीडिएट रिलीफ
कंट्रीब्यूशन टू उड़ीसा। आपको पता ही है रिसेंटली साइक्लोन फेनी आया है उड़ीसा में, उसने काफ़ी सारी डिस्ट्रक्शन फैलाई है उड़ीसा में। उसकी रिलीफ के लिए एक स्टेट ने 10 करोड़ रुपए का इमीडिएट रिलीफ कंट्रीब्यूशन दिया है। इस स्टेट का क्या नाम है? इस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, तमिलनाडु। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और सीएम है एडापड्डी के पलिनास्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। वर्ल्ड लाफ्टर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन 2019? वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया 2019 में? वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया 5 मई को। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 5 मई। वर्ल्ड लाफ्टर डे हर साल फर्स्ट संडे ऑफ मई को मनाया जाता है। फर्स्ट रविवार जो होता है मई का, उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। सो इस बार रविवार बना है 5 मई को, इसलिए वर्ल्ड लाफ्टर डे 2019 में मनाया गया 5 मई को 2019 में। सो इसका राइट आंसर है 5 मई। सो ये थे ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 7 मई 2019 के। काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड की। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।